प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े नोट बंद करने के फैसले से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर काफी असर पड़ा है, जिसके कारण 5 से 6 फिल्में रिलीज नहीं हो सकी हैं। कई फिल्मों की शूटिंग पर भी असर पड़ा है। फिल्म निर्माताओं को डर था कि नोटबंदी के कारण दर्शक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण फिल्मों को घाटा उठाना पड़ेगा। अभी के समय में कोई फिल्म निर्माता रिस्क उठाना नहीं चाहता है। भोजपुरी की साल में 100 से अधिक फिल्में बनती हैं। इस इंडस्ट्री का कारोबार करीब 100 करोड़ से ऊपर है। नोटबंदी के असर के कारण पवन सिंह और रानी चटर्जी की फिल्म सरकार राज, यश मिश्रा और पूनम दुबे की फिल्म रंगदारी टैक्स, खेसारी और काजल की फिल्म मेहंदी लगा के रखना और अविनाश शाही की फिल्म, ये सभी फिल्में रिलीज नहीं हो सकी हैं। फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों का डेट आगे बढ़ा दी है। छोटे सिनेमा हॉल का भी यही हाल है। देश के जितने भी छोटे सिनेमा हॉल हैं, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में सिनेमा हॉल में हिंदी की बड़ी फिल्में नहीं लगती हैं। सिनेमा हॉल में सिर्फ भोजपुरी सिनेमा ही चलती है। सिनेमा हॉल में सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही चलती हैं, जिसके कारण सिनेमा हॉल की कमाई होती है। लेकिन ऐसे में नोटबंदी के कारण निर्माताओं से लेकर हॉल के मालिकों तक सबको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और भोजपुरी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पाइसी भोजपुरी।